तो भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में यकीन रखने वाली पार्टी है। एक दो घटनाएं होती हैं उसको लेकर कार्रवाई होती है। मेरठ की घटना को लेकर आप नज़ीर इसलिए मत बनाइए क्योंकि दारोगा जी ड्यूटी पर नहीं थे, वर्दी ज़रूर पहने हुए थे पर ड्यूटी उनकी कहीं और थी। वहाँ पे संभवतः शराब वराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद दो लोगों के बीच मारपीट हुई। अब क्योंकि वो वर्दी पहने थे इसलिए ये कहना कि वर्दी वाले पीटे, अगर वो ड्यूटी पर होते, कोई कार्रवाई करने गए होते, कोई विवेचना करने गए होते तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते थे। लेकिन वो घटना दो लोगों के बीच में झगड़े को लेकर हुई है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात है, कार्यकर्ताओं की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं सभी बहुत अनुशासित हैं और इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी तक को कहना पड़ा था कि अधिकारी जो है वो ठीक से पेश आए, जनप्रतिनिधियों की बातें सुने। बांदा के तिनवारी से विधायक ने अभी हाल ही में खनन अधिकारी को पकड़ करके मारा पीटा था। उसके बाद में बलरामपुर के पलटू राम विधायक हैं, उन्होंने सीएमओ को फ़ोन करके धमकी दी, गालियां दी और मारने की धमकी दी। और अब मेरठ से घटना आ रही जिसमें भाजपा के पार्षद ने एक दरोगा को मारा पीटा है, उसकी जमकर पिटाई की है। और ऐसी घटनाएं आने के बाद इनके खिलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं की जाती है। ऐसे में लगता है कि बीजेपी के जनप्रतिनिधियों पर सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ईटीवी।